हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुबह के नाश्ते में उपमा। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए, चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सूजी, हरी मिर्च, चना दाल, कड़ी पत्ता, मूंगफली, कुछ ड्राई फ्रूट्स और राई। अब यहाँ पर हमने एक भगोने में लगभग 2 कप पानी रख दिया है बॉईल होने को, और दूसरी साइड हमने पैन में सूजी को भूनना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा घी डालना है, देसी घी डालिए आप इसमें। और सूजी को इसमें डाल के हल्का ब्राउन तक भूनना है हमें। साथ साथ में चलाते जाइए इसको, ताकि नीचे लगे नहीं ये। साथ में हमारा पानी भी गर्म हो रहा है। अब देखिए, हमारा रवा सूजी थोड़ा सा भून के लाल हो गया है, इसमें हल्की स्मेल भी आने लगी है, सुगंध। अब इसको बंद करके हमें दो पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालने हैं। इसके बाद राई डालनी है। राई जब चटकने लगे, फिर इसमें डालना है हमें हरी मिर्च, फिर इसमें डालना है कड़ी पत्ता। ये भी जब चटकने लगे, हल्का सा हो जाए, फिर इसके बाद इसमें डालना है चना दाल। इसको भी हल्का भून लेना है। जब ये चना दाल हल्का भून जाए, फिर इसी के साथ ही हमें जो हमने मूंगफली रखी थी उसे भी डाल देना है। और इसे चलाते रहना है। एक साइड पानी हमारा गर्म हो रहा है, लगभग गर्म हो चुका है, इसको भी बंद कर देंगे हम। अब फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दीजिए, नहीं तो ज़्यादा फ्लेम पे वो जलने लगता है, अंदर कच्चापन रहता है। अब इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने रखे थे वो डाल दीजिए, उसको भी साथ ही साथ भून लेते हैं। अब लगभग हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे लगभग 2 बड़े कप। इसको बॉईल आने तक हमको पकाना है। साथ में नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। और हल्की सी चीनी, ये हमारे टेस्ट को बैलेंस करता है। अब हमको इसमें सूजी डालना है, लेकिन धीरे धीरे करके, एकदम नहीं डालना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। साथ साथ में हिलाते भी रहना है।
ये बहुत ईजली और बहुत जल्दी कुक होता है। देखिए धीरे धीरे किनारे से सब इकट्ठा होना शुरू हो गया है और हमें तब तक पकाना है जब तक ये सब इकट्ठा हो जाए, सब साइड छोड़ने लगे। इसका मतलब होता है कि पक गया हमारा। देखिए लगभग ये रेडी है कुक के, लगभग ये रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए अब सर्व करते हैं। ये हमारा